हेलो फ्रेंड्स एंड व्यूअर्स, वेलकम बैक टू राज का गराज। आज है 16th of November, दिवाली का दिन है। सो विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी दिवाली एंड अ हैप्पी पाड़वा। आज नया साल भी होता है और 16th of November, जैसे मैंने अपने पहले वीडियो में डाला था, आई एम गोइंग टू टेक द डिलीवरी ऑफ माय होंडा हाइनेस नाउ इन सम टाइम। मैं जस्ट जा रहा हूँ, आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट इट। मल्हार तो ऑलरेडी नीचे पहुँच गया है। मल्हार के बर्थडे के दिन ही मैंने ये गाड़ी बुक किया था 7th of October, और इनिशियली ये थॉट था कि आई विल टेक अ टेस्ट ड्राइव एंड यू नो उसको देखूंगा कैसे है कैसे नहीं है, एंड देन आई यू नो प्लान टू बाय इट। बुक तो कर लिया था बट बाइक के ऊपर थोड़ा सा हिचकिचाहट था मुझे, बट व्हेन आई सॉ द बाइक इट वाज लव एट फर्स्ट साइट। ऑब्वियसली इट कम्स विद ऑल द यू नो होंडा रिलायबिलिटी, सो आई एम वेरी एक्साइटेड। कीप वॉचिंग, अब मैं जा रहा हूँ डिलीवरी लेने। अब मैं आ गया हूँ शोरूम में, शोरूम की तरफ पहुँच गया हूँ। इज होंडा पिकविंग शोरूम, यहाँ से अब मैं डिलीवरी लूँगा। यू कैन सी देयर इज अ होल लाइनअप ऑफ बाइक स्टैंडिंग फॉर डिलीवरी। सो फाइनली अब मैंने शोरूम से गाड़ी बाहर निकाली है और फर्स्ट स्टार्टर ऑफ दिस हाइनेस, थोड़ा कैमरा एडजस्ट कर लेता हूँ, सॉरी फॉर द विंड ब्लास्ट, अगर आपको विंड ब्लास्ट सुनाई दे तो। और गणेशाय नमः। तो ये स्टार्टर मारा है, जो 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 एग्जॉस्ट नोट है काफ़ी मेगाफोनिक है, ये हम लोग का आरी। और एक्सेलरेशन में बिल्कुल भी कुछ भी फील नहीं हो रहा है, अनलाइक व्हाट आई नॉर्मली हैव इन आरई। और अगर मुझे तो लिटरली हंसी आ रही है, इन टर्म्स ऑफ इवन द क्लच इज लिटरली देर इज नो फीलिंग, देर इज नो फीलिंग एट ऑल। इट्स ऑलमोस्ट निल फीलिंग बिकॉज ऑफ दिस असिस्ट क्लच। अब मेरे पीछे एक्चुअली मल्हार बैठा है, इसलिए मैं ज़्यादा इसको अभी पुल नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज आई वॉन्टेड टू एक्चुअली चेक द थ्रस्ट। जो सिंगल सिलेंडर का एक जो पंच होता है, ऑब्वियसली इट विल नॉट बी लाइक अ 500 जो मैं यूजुअली चलाता हूँ, बट देन स्टिल। जस्ट हाँ, आता तेच बघते, माझ्याकडे 500 ऍक्च्युली क्रोम 500 आहे, पण लिटरली आता आरीच आपल्याला जे हातावरती वापर काहीच नाही, सुपर स्मूथ बटर स्मूथ। ह्यूज आहे आणि गाडी जायचं नाही, हा जो फरक आहे ना आरीमध्ये, आपण जेव्हा हे फिरवतो आपल्या आर्म सुद्धा व्हायब्रेट होतात ना, आणि 500 मध्ये तर इनफॅक्ट कम्प्लीट जास्त व्हायब्रेशन काहीच नाही, म्हणजे इफ यू वॉन्ट ट्राय झिरो। व्हायब्रेट होतात 500 मध्ये, तुम्ही 70 वरती मागे काय चाललंय तुम्हाला काहीच माहित नाही। राईड मध्ये खूप रिस्की बनतं ते, म्हणजे मागे 4 गाड्या दिसतात एक असली का। तो मल्हार Thank you.
वाले से कंट्रोल्स जो है आई थिंक दी इंडिकेटर्स आर एट द प्लेस ऑफ द हॉर्न बटन, और जो हॉर्न बटन है वो ऊपर है, यू कैन सी आई एम लविंग इट. सो फाइनली गाड़ी घर पे आ गई है, मैंने उसका पूजा वगैरह सब किया है यू कैन सी. और कल सुबह मैं निकलूँगा पूना के लिए, तो विद इन 150 किलोमीटर्स पता चली जाएगा गाड़ी का परफॉर्मेंस क्या है. बीच में खंडाला घाट भी आता है, एंड आई एम नॉट गोइंग टू डू एनी यू नो स्टंट्स और एनी काइंड ऑफ टेस्ट. इट्स गोइंग टू बी अ सिंपल राइड. आई वांट टू कीप दिस बाइक फॉर अ लॉन्गर पीरियड. तो अंटिल देन कीप वॉचिंग एंड हैप्पी राइडिंग. थैंक यू वेरी मच.